और रोहतक से अगली खबर है, जहां पर भिवानी इलेक्ट्रिक रेल लाइन पर शनिवार से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ सिरसा एक्सप्रेस रेल को भिवानी से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी, और जिससे कि भिवानी से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों में एक खुशी देखने को मिली। और इलेक्ट्रिक इंजन को लेकर पहले इंजीनियर व अधिकारी रेलवे अधिकारियों ने इसका स्वागत किया, और ये रेल इलेक्ट्रिक लाइन पर 80 की स्पीड से दौड़नी शुरू हुई है। और पश्चिम रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य प्रीतम अग्रवाल ने यह बताया कि लाइन के विद्युतीकरण पर 50 करोड़ से अधिक रुपए की लागत आई है, और इस रेल से यात्रियों के समय की बचत होगी, और इसी प्रकार रेवाड़ी हिसार लाइन के विद्युतीकरण का भी कार्य पूरा होने वाला है। यात्रियों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांसद धर्मवीर का आभार जताया है। तो यहां पर आपको बता दें कि यात्रियों में खुशी की लहर है और इलेक्ट्रिक ट्रैक की शुरुआत हुई है। यहां पर आपको बता दें कि करोड़ों रुपयों की लागत आई है। आपको बता दें कि 80 की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ने वाली है, और आपको बता दें कि इससे जितने भी ये यात्री होंगे इनका समय बचेगा और इनमें खुशी की लहर है। और यहां पर आपको बता दें कि पीयूष गोयल रेल मंत्री की यहां पर आभार जताया गया है।